हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ GSTN की न्यू एडवाइजरी जो कि इशू की गई है GST पोर्टल पर। तो जुड़े रहना है वीडियो के साथ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह आपके सामने ओपन किया है GST पोर्टल, और जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स में GST की न्यू डेट्स को लेकर एक एडवाइजरी इशू की गई है, जिसका पार्ट टू पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद पार्ट वन पर चलते हैं। पार्ट टू में आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम, साथ ही साथ ISD नॉन रेजिडेंट के लिए जो रिटर्न है, TDS और TCS रिटर्न है, इनके लिए जो न्यू ड्यू डेट्स हैं वो बताई गई हैं। साथ ही साथ ईवे बिल की एक्सटेंशन को लेकर भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपकी GSTR 3B और GSTR 1 की जो न्यू ड्यू डेट्स हैं उनको लेकर है। तो पहले हम GSTR 1 और GSTR 3B की ड्यू डेट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम ईवे बिल, TDS, TCS रिटर्न्स और कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो पहले इन्होंने GSTR 3B के लिए 3 कैटेगरी में कर दिया है डिवाइड। फेब्रवरी के लिए टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, तो पहले हम उनकी बात करते हैं जिनका टर्नओवर जो है वो मोर देन 5 करोड़ है। तो मोर देन 5 करोड़ के लिए फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल के लिए 24 जून तक का समय आपको दिया गया है। 24 जून तक आप कर सकते हैं फाइल। उसके बाद बात आती है टर्नओवर बिटवीन 1.5 करोड़ एंड 5 करोड़, यानी कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपको अपनी फेब्रवरी मंथ की GSTR 3B फाइल करनी है 29 जून तक, मार्च के लिए करनी है 29 जून तक और अप्रैल के लिए करनी है 30 जून तक। अब बात आती है टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उन्हें फेब्रवरी के लिए अपनी GSTR 3B फाइल करनी है 30 जून तक, मार्च के लिए करनी है 3 जुलाई तक और अप्रैल के लिए करनी है 6 जुलाई तक। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगी, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें भले ही अपनी 24 जून तक GSTR 3B फाइल करनी है, लेकिन उन्हें 15 दिन के बाद यानी कि ड्यू डेट के 15 दिन के बाद 9% इंटरेस्ट भी पे करना होगा। और ये 9% का बेनिफिट 24 जून तक दिया जा रहा है। हर वीडियो में मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपसे कहीं भी कोई लॉस ना हो। ड्यू डेट से 15 दिन तक आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, उसके बाद 9% के रेट से आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा 24 जून तक। और अगर आप 24 जून के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो ड्यू डेट से लेकर और जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं 18% के रेट से आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस 24 जून को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। 24 जून तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं कंसेशनल रेट्स पे। अब यहाँ पे मई के लिए बात की गई है। मई के लिए जो ड्यू डेट्स हैं मोर देन 5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो मई के लिए 27 जून जो है आपको बता दी है फर्स्ट ही पॉइंट में। अब बात करते हैं अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको स्टेट वाइज जो है चेक करना है कि आपने किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ड्यू डेट रहेगी। तो 12 जुलाई रहेगी अगर आपका जो है स्टेट है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। और 14 जुलाई रहेगी अगर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। अब बात करते हैं GSTR 1 की। मार्च, अप्रैल और मई के लिए जो GSTR 1 है मंथली फाइलर्स के लिए, उन सभी के लिए इस डेट को कर दिया गया है 30 जून 2020। साथ ही अगर क्वार्टरली आप फाइलर हैं, 31 मार्च को आपका क्वार्टर एंड हो रहा है तो आपके लिए भी ड्यू डेट रहेगी 30 जून 2020। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में
कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप ऑप्ट करना चाहती हैं CMP02 फाइल करके फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, तो अभी आप जो है ये CMP02 फाइल कर सकते हैं 30 जून 2020 तक। साथ ही साथ जो आप ITC03 फाइल करना है, अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, आप कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं, तो आपको अपना ITC रिवर्स करना होगा। उसके लिए ITC03 फाइल होता है जो आप फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2020 तक। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर आपने ऑलरेडी ली हुई है तो आपको CMP08 जो फाइल करनी थी जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए, उसकी डेट को कर दिया गया है 7 जुलाई 2020, एंड GSTR4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20 को कर दिया गया है 15 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देना चाहूँगी, एक ट्वीट किया है GST टेक ने कि अगर आप कॉम्पोजिशन में जाना चाहते हैं बाय फाइलिंग CMP02, जो कि आप 30 जून तक फाइल कर सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आप अपनी GSTR1 और GSTR3 भी फाइल नहीं करेंगे। अगर आप फाइल करते हैं तो फिर आप कॉम्पोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब बात आती है GSTR5 की। GSTR5 जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के केस में फाइल की जाती है, मार्च अप्रैल और मई के लिए जो ड्यू डेट रहती है वो रहती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। उसके बाद GSTR6, GSTR7 अगर आपने TDS डिडक्ट किया है, GSTR8 अगर आपने TCS कलेक्ट किया है, तो मार्च अप्रैल और मई के लिए आपकी डेट रहेगी एक्सटेंडेड डेट 30 जून 2020। तो आप 30 जून 2020 तक अपनी 5, 6, 7 एंड 8 जो है फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है ईवे बिल की। अगर आपकी ईवे बिल की वैलिडिटी 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में एक्सपायर हो रही है, तो उस वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा रहा है 30 अप्रैल 2020 तक। तो ये GSTN एडवाइजरी है, सभी चीज़ों को कंफर्म किया गया है, GST पोर्टल पर ये एडवाइजरी अपडेट की गई है। तो जो क्वेश्चंस करते हैं कि GSTR पोर्टल पर अभी पुरानी डेट शो कर रहा है, तो वो ये एडवाइजरी चेक कर ले, इस एडवाइजरी में सभी न्यू ड्यू डेट्स दी गई हैं। चलिए, इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो को कर रही हूँ मैं क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।